गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा ई लेक्चर का टॉपिक है डिफ्यूज़न। यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूज़न। जब हम पढ़ रहे हैं तो हम सेल की बात भी करेंगे सबसे पहले, और प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है प्लांट सेल में, वो जिस झिल्ली से घिरा रहता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ से जिस झिल्ली से घिरी रहती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल पादप कोशिका का ही कैरेक्टर है, ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अपनी एक पारगम्यता रखती हैं। जीव द्रव्य के जितने भी गुण होते हैं और उनमें होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनमें शामिल हैं विसरण, परासरण, प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन या इम्बाइबिशन जिसे हम अंतःशोषण भी कहते हैं। ये सब क्रियाओं को अगर हमें समझना है तो पारगम्यता को समझना बहुत ज़रूरी होता है। परमेबिलिटी जो होती है वो किसी पदार्थ का कोशिका में अंदर जाना और उसके बाहर आने की प्रक्रिया जो है वो निर्धारित करती है। पारगम्यता की दृष्टि से झिल्लियाँ चार प्रकार में बांटी जाती हैं। पहला प्रकार है पारगम्य, दूसरा अर्धपारगम्य, तीसरा चयनात्मक पारगम्य और चौथा प्रकार है अपारगम्य। पारगम्य वह झिल्ली होती है जो विलेय और विलायक दोनों के अणुओं के लिए पारगम्य है, जैसे कि सेल वॉल। अर्धपारगम्य ऐसी झिल्ली है जिसमें जल यानी विलायक तो उसके पार जा सकता है परंतु जो विलेय होता है वो उसके पार नहीं जा सकता, जिसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कह रहे हैं। उसका उदाहरण कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तीसरा प्रकार है पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, ऐसी परत या ऐसी झिल्ली जो जल के अणुओं को यानी विलाय के लिए तो पूर्णतया पारगम्य है लेकिन कुछ विलेय के लिए ये पारगम्य है और कुछ के लिए ये अपारगम्य है, यानी उसका चयन करके वो उसको अपने अंदर या बाहर आने जाने देती है। ऐसी झिल्ली का उदाहरण भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। चौथा प्रकार है अपारगम्य। अपारगम्य एक ऐसी परत है जिसके आर पार कोई भी तरल या गैसीय पदार्थ नहीं जा सकता है, जैसे कि पादप में क्यूटिकल होती है एपिडर्मिस के ऊपर। किसी भी मेम्ब्रेन की पारगम्यता अनेक बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि इसके चारों तरफ झिल्ली के चारों तरफ उपस्थित अणु, झिल्ली के आंतरिक और बाह्य दशाएं, जैसे कि तापमान है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, पीएच है, झिल्ली की रासायनिक प्रकृति है, ये सब बातों पर पारगम्यता निर्भर करती है। तो जल के अतिरिक्त जल में घुलनशील पदार्थ जो हैं वो तो उनका आना जाना ज़्यादा सुगमित रहता है झिल्ली के आर पार, लेकिन वो पदार्थ जो वसा में घुलनशील हैं जैसे कि अल्कोहल है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, कुछ गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये भी झिल्ली से सरलतापूर्वक विसरित होती रहती हैं। परंतु कई ऐसे पदार्थ हैं जैसे कार्बनिक पदार्थ जैसे डाइसैक्राइड है, फैटी एसिड, वसी अम्ल हैं, ग्लिसरॉल हैं, एमिनो एसिड्स हैं, ये सभी इन सब के प्रति जो झिल्लियाँ हैं वो अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती हैं। और जो प्रोटीन हैं, पॉलीसैक्राइड हैं, फॉस्फोलिपिड हैं, उन जैसे अणुओं के लिए तो ये पूरी तरह से अपारगम्य होती है।
जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो एक छोटा सा उदाहरण के रूप में हम इसको समझते हैं कि एक बीकर है, बीकर में जल भरा है और हम एक इंक की, शाही की या कॉपर सल्फेट की, कोई इंक की डाई की या कॉपर सल्फेट का कुछ भी हम उसके अंदर डाल रहे हैं, तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि वो उस पूरे जल में फैल जाता है और वो जल का रंग जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि इस बीकर में आप देख रहे हैं एक ड्रॉप डाली गई है डाई की और वो डाई फैल गई है और पूरा जल जो है वो ब्लू कलर का हो गया है। तो ये एक सिंपली एक डिफ्यूज़न या विसरण है। हम कहेंगे कि डाई जो है वो जल में विसरित हो गई है। यहाँ पर माध्यम जो है वो लिक्विड है, द्रव है, और डाली गई डाई भी द्रव है, यानी द्रव का द्रव में विसरण है। विसरण को अगर हम परिभाषित करेंगे तो विसरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ के अणु या आयन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं जब तक कि माध्यम की साम्यावस्था स्थापित ना हो जाए। इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन अंटिल द डिफ्यूज सब्सटेंस इज इवनली डिफ्यूज और एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। यानी कि मैटर या पदार्थ जब विसरित होता है अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, तो ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम स्थापित ना हो जाए, साम्यवस्था स्थापित ना हो जाए। तो विसरण की क्रिया द्रव्य यानी मैटर की तीनों अवस्थाओं, गैस, ठोस और द्रव में होती है, और ये तीनों ही एक दूसरे में विसरित हो सकती हैं, लेकिन विसरण की दर कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि अगर गैस का गैस में विसरण हो रहा है तो धीमी गति से हो रहा है, अगर किसी भी द्रव का द्रव में विसरण हो रहा है तो वो तीव्र गति से हो रहा है, लेकिन ठोस का ठोस में विसरण अगर हो रहा है तो वो बहुत ही धीमी गति से होता है। विसरण को तीन भागों पे बांटा जा सकता है। पहला प्रकार सिंपल या सामान्य या पैसिव विसरण हम कहेंगे, दूसरा प्रकार है फैसिलिएटेड या सुगमित विसरण, और तीसरा प्रकार है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है वो एक नए टॉपिक के, अलग टॉपिक के रूप में हम इसको आगे पढ़ेंगे, और ये वो विसरण होता है जिसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, जबकि सिंपल और फैसिलिएटेड डिफ्यूज़न में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आवश्यक नहीं होती है। तो पहला डिफ्यूज़न का जो प्रकार है जिसे हम सिंपल या पैसिव डिफ्यूज़न कह रहे हैं, जिसमें मूवमेंट होता है किसी भी एनर्जी या ऊर्जा को लिए बगैर, यानी एक सिंपल एक ब्राउनियन मूवमेंट है जिसके अंतर्गत कोई भी पदार्थ डिफ्यूज़ हो रहा है, विसरित हो रहा है अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। बहुत कॉमन सा एग्जांपल अभी मैंने पहले भी आपको बताया, डाई वाला एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर हम एक ग्लास के अंदर शुगर डाल देते हैं पानी के अंदर तो वो शुगर घुल जाती है, तो इस तरह से ये एक सिंपल डिफ्यूज़न का उदाहरण होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा आवश्यक नहीं होती है। दूसरा प्रकार होता है फैसिलिएटेड सुगमित। सुगमित डिफ्यूज़न जो है वो पैसिव डिफ्यूज़न के विपरीत कैरियर रखता है। कहने का मतलब जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगा तो वो अक्रॉस मेम्ब्रेन, जब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस यानी उसके अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जब डिफ्यूज़न हो रहा है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो वहाँ पर झिल्ली में कुछ कैरियर आयंस या मॉलिक्यूल्स मौजूद रहते हैं जो कि उसको कैरी करते हैं
विस्तृत होने वाले पदार्थ को कैरी करते हैं, मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं और अंदर और उसका बाहर जाना सुगमित करते हैं। तीसरा प्रकार जैसे कि मैंने कहा ऑस्मोसिस, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़रूरी है और इसको एक अलग टॉपिक के रूप में हम आगे पढ़ेंगे। जब हम डिफ्यूज़न की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर की। डिफ्यूज़न प्रेशर जो है वो एक हाइपोथेटिकल वर्ड मान लीजिए उसको, जिसमें पदार्थ के अणुओं को विस्तृत होने की जो नेचर, जो प्रकृति होती है उसको विसरण दाब कहते हैं। यानी कि पदार्थ के अणुओं का उच्च विसरण दाब क्षेत्र से निम्न विसरण दाब क्षेत्र की ओर गमन अगर हो रहा है तो हम उसको विसरण कह रहे हैं। यानी ये दूसरी परिभाषा है। फिर दोहराती हूँ, अगर जहाँ पर अणुओं की सांद्रता अधिक है, अधिक सांद्रता वाले अणुओं में विसरण दाब अधिक है, जहाँ सांद्रता कम है वहाँ विसरण दाब कम है। तो अणु अपनी उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार किसी भी क्षेत्र के अणुओं का विसरण उस क्षेत्र के दो बिंदुओं के विसरण दाब के अंतर पर निर्भर करता है। यानी उच्च दाब क्षेत्र और निम्न दाब क्षेत्र, उसमें जितना अंतर है वो अंतर उस डिफ्यूज़न में मदद करेगा। यानी जब तक साम्यवस्था नहीं आ जाती, दोनों तरफ का दाब बराबर नहीं हो जाता, तब तक विसरण चलता रहता है। तो जो अंतर है उसे हम विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। एक बार फिर मैं दोहराती हूँ, किसी क्षेत्र के अणुओं का विसरण उस क्षेत्र के दो बिंदुओं के विसरण दाब के अंतर पर निर्भर करता है और इसे हम विसरण दाब प्रवणता या न्यूनता कहते हैं। विसरण दाब प्रवणता कहते हैं, सॉरी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। विसरण को प्रभावित करते हैं अनेक कारक, जिसमें सबसे पहला कारक है टेम्परेचर। यानी अणुओं का विसरण गतिज ऊर्जा के कारण होता है और तापकरण बढ़ाने के साथ ही जो अणु होते हैं, पदार्थ के जो अणु होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है तो विसरण की दर भी बढ़ जाती है। यानी विसरण तापक्रम के समानुपाती होता है। दूसरा प्रकार है मीडियम ऑफ डिफ्यूज़न, विसरण का माध्यम। वह माध्यम जिसमें मैटर का विसरण होता है वो भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। विसरण माध्यम की अधिक सांद्रता अगर हो रही है या उसका घनत्व है अधिक तो वो विसरण प्रक्रिया की दर को कम कर देता है। तीसरा फैक्टर है डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट, यानी विसरण दाब प्रवणता। किसी भी तंत्र में दो बिंदुओं के बीच की जो विसरण की दर है वो उसके अणुओं के विसरण दाब के अंतर पर निर्भर करती है। पदार्थ के अणु अधिक विसरण दाब क्षेत्र से कम विसरण दाब क्षेत्र की ओर गति करते हैं, तो जितना ज़्यादा ये अंतर होगा उतनी ही गति तीव्र होगी। चौथा फैक्टर जो इसको प्रभावित करता है वो है डेंसिटी, घनत्व। किसी भी पदार्थ के अणुओं की जो विसरण की दर है, जो डिफ्यूज़न रेट है, वो उसके रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व के वर्गमूल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर फॉर्मूले के रूप में हम देखेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली उसके वर्गमूल के डेंसिटी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे R जो है वो डिफ्यूज़न रेट है, विसरण दर है, और D जो है वो इसकी डेंसिटी है। तो ये डेंसिटी जो है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती, यानी डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो विसरण दर कम है, डेंसिटी अगर कम है तो विसरण दर अधिक होती है।
तो यहाँ पर ये विसरण टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।